वेलकम गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप वन प्लस नॉर्ड 3 5G मोबाइल में दोस्तों आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना, तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर पाएंगे। तो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिए। आप सेटिंग्स में जाने के बाद आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आप अपने मोबाइल में कोई भी एक स्क्रीन लॉक पैटर्न या पिन में सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम पैटर्न लॉक पहले से बनाए थे वो डाल देता हूँ। अगर आप नहीं बनाए रहेंगे तो आपको यहाँ से पहले पैटर्न लॉक सेट करना है। तो जैसे ही आप सेट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंसर, यानी फिंगर सेंसर, फिंगर को टच करके अपने दोस्तों फिंगर को स्कैन करवा लीजिएगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं स्कैन फिंगर सेंसर फिंगर को टच करके, और आप भी अपने मोबाइल में फिंगर सेंसर फिंगर को टच करके स्कैन करवा लीजिएगा। और दोस्तों दबा दबा के लगा देना। जैसे ही आप अपने मोबाइल में पूरा फिंगर को सही से टच कर लेंगे, उसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल में जो आइकन आ जाता है ये पूरा फुल हो जाएगा। और ये आइकन दोस्तों आपके मोबाइल में जैसे ही फुल हो जाएगा, आपके मोबाइल में दोस्तों फिंगरप्रिंट लॉक सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो चुका है। अब यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे हम, और हमारे मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक जो रहता है वो सेट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल को लॉक करूंगा और यहाँ पे देख सकते फिंगर को टच करता हूँ, मोबाइल हमारा अनलॉक हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में आसान तरीके से स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक को सेट कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में।